हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल एंड परिमाप अपन किस लिए पढ़ रहे हैं जी? सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें हमारा कौन सा क्लास है जी? पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर के लिए क्लास 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे जी? कुछ फॉर्मूला पता है आप लोग को? आप लोग को फॉर्मूला देखना है तो हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं पूरे फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल के। तो मान लेते हैं कि आधार का क्षेत्रफल कितना है? 4 है और ऊंचाई 5 है। तो देखिए, कोई भी चीज़ इसका क्षेत्रफल दिया है तो 2250 हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का कितना दिया है? 4, एक समान लो, इसको 5, एक समान लो, तो 4×5=20। अब 20 में 10 को घटा देंगे तो कितना होगा जी? 20 में अगर 2 से तो रह जाएगा ना। एक्स अगर गुणा होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना? 10 हो जाएगा। अब 10 इधर ले, तो ये 2250 है अपना। ठीक है, तो इधर ले आइए 10, तो 2250/10×x², तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास x² = 2225। अब एक इसका ये होता है जी, स्क्वायर होता है, तो 15 × 15 करते हैं तो होता है क्या? तो 1×15² x² कैंसिल, x = 15, तो ऐसे आएगा। ठीक है, 15 आएगा। अब क्या बोला है? त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमने मानी क्या थी? 5 एक समाना था, आधार इंटू ऊंचाई। तो 5×15 तो कितना आएगा? 75। तो 75 आपको ऑप्शन में दिख रहा है जी कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो, तो आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की दर 1/3 हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे जी? अब मान लीजिए उसकी लंबाई चौड़ाई से की बराबर है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा अपन एक से मान ले, तो परिमाप और आयत का परिमाप बोल सकते हैं। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब परिमाप क्या हो जाता है? वर्ग एक परिमाप 4×110, जो 128 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर x की वैल्यू निकालना चाहे तो x = आ जाएगा हमारा 32 जो माने थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? एक से की स्क्वायर होता है, तो 32×32 करोगे तो कितना है? 1024। तो 1024 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो देखिए, एक 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितना हो जाएगी? अरे 28 से तो ये 14 हो जाएगी। अब इसमें वृत्त बनाना है, तो वृत्त ऐसे बनेगा जी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और 14×14, तो 7×2 तो 22×44 और 14 तो 14×56 की 6 हाथ ले 5, 14×56 56 और 5×61 तो 616। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है जी आपको? ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि एक वृत्त की परिधि 4π और उससे 8π कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो कितना परिवर्तन हो जाएगा जी? तो देखिए, इसको अपन शॉर्ट तरीका से कर लेते हैं। वृत्त की परिधि 4π से 8π कर दी जाए,
तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आपको दोनों की क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि दोनों आनी चाहिए। तो ये पूरे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पता चलेगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये चार गुना आएगा ये अपने को पता है, ठीक है। चार गुना करने से चार गुना, दो गुना करने से चार गुना आएगा। कहेंगे देखिए पाई आर स्क्वायर होता है तो आर दो गुना हो रहा है ना आर दो गुना, चार से आठ पाई कर रहे हैं आप, तो दो गुना कर रहे हैं तो इसमें चार गुना होगा। फिर अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज के में एक दूसरे के लंबवत है, भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो जिसका परिमाप कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे जी। तो देखिए समकोण त्रिभुज का भुजाएं दिया हुआ है, कितना दिया है 15 और 8 दिया हुआ है, ये दिया है, तो अपन को इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, तो आधार कितना दिया है जी हमें 8 की स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना दिया है 15 की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस तरह आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 64 प्लस 225। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी 289। अब 289 किसका होता है, 17 का होता है, 17 मल्टीप्लाई 17 तो यहाँ 17 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है बोल रहे हैं, तो परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो ए 17, अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 15, 17 और 8। तो अब इसमें सिंपल सी दिस है, अब ए 17 को कैसे लिख सकते हैं, 15 था दो तो दो यहाँ दे दीजिए तो ये 10, 15 दो 30, 10 40, तो 40 कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है और भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप कितने के अनुपात में है बोल रहा है, 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो सबको जोड़ दीजिए 2, 3, 4, तो 2, 3 और 4, तो 4, 3, 7, 2, 9, तो अब परिमाप है 180/9, तो इसमें 9 × 18 तो 1 की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगी 20 × 40 = 60 और ये 80। ये चीज़ पता चला आप लोग को, 20, 40, 80 आ जाएगा। अब इसमें एस की वैल्यू अपने को पता है कि इन सब की वैल्यू पता चल गई, तो एस निकाल सकते हैं क्या, तो सबको जोड़ दीजिए 40 × 60 × 80/2, तो 8 × 6 = 14, 4 = 18, तो 180/2 तो ये 90 आ जाएगा। अब 90 को अपन क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख दीजिए डायरेक्ट, तो 90, अब 90 में 40 में माइनस करेंगे तो 50, ठीक है, 90 में 60 माइनस करेंगे तो 30 और 90 में 80 माइनस करेंगे तो 10, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये देखिए, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को। इसका आंसर आएगा 300√, कितना आएगा जी 15, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं जी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।